25 जनवरी 2020 आज का वह दिन है जबकि हमारी संसद को कानून बनाना था कि आगे संसद में और असेंबली में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए मनोनयन की जो व्यवस्था 70 साल से चली आ रही थी वो आगे जारी रहनी है या नहीं। आज तक क्योंकि नहीं बनाई गई ये व्यवस्था, इसका मतलब है कि आगे ये व्यवस्था कंटिन्यू नहीं करने वाली है। तो आज के दिन हम बात कर रहे हैं ग्लेन जोसेफ गैलस्टन से, जो कि झारखंड की असेंबली में मनोनीत सदस्य हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की ओर से। सर लगातार तीसरी बार मनोनीत हुए हैं और इसके साथ ये भी बात है कि 2024 में जब सर का कार्यकाल पूरा हो जाएगा उसके बाद ये जो कम्युनिटी है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, जिसको हम मैकलुस्कीगंज से जानते हैं, वो 26 परिवार और इस तरह से, तो उनका अब रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा। ये पॉलिटिकली जो अनइलेक्टेबल एक सोसाइटी है, लेकिन एक ये सोसाइटी है जिसके लिए देश का समाज बहुत ही इमोशनली कनेक्टेड फील करता है। तो सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप मनोनीत होकर के आए, तो इसके बारे में सर बताइए पहले मनोनयन के बारे में। मैं झारखंड के राज्यपाल, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने हमें मनोनीत इस विधान पश्चिमी विधानसभा में किए हैं, इसके लिए धन्यवाद। और पूरे समाज की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। यह एक ऐतिहासिक कदम है और झारखंड में रहने वाले एंग्लो इंडियन समुदाय काफ़ी निराश था। वो लोग सोच रहे थे कि यह मनोनयन नहीं होगा और अचानक ये हेमंत सोरेन जी के सरकार ने निर्णय लिया और ये मनोनयन किया। इससे समुदाय में काफ़ी हर्ष है और सारे देश में खुशी का लहर है। सर एक विषय है जो संविधान का विषय है, इसके बारे में सर मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा था कि जो हमारी जानकारी सर कि 126वां जो संविधान संशोधन है उसके तहत सर डिलिमिटेशन का समय किया गया था 2026 तक। तो इसका सर मतलब ये था कि इस दौरान न तो सीटें बढ़ाई जाएंगी न घटाई जाएंगी। और अभी जो केंद्र सरकार का ये आदेश हुआ है इस एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बारे में, तो उससे सर ये हुआ है कि 14 राज्यों में जो एक एक असेंबली की सीट एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को मिली हुई थी, हालांकि डेरेक ब्रायन का कहना है कि 22 राज्यों में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है, लेकिन 14 राज्यों में सर एक एक सीट थी और संसद में 2 सीटें थी, तो 16 सीट सर हट गए इससे। तो क्या ये डिलिमिटेशन के लिए जो सर बना हुआ कानून था उस हिसाब से क्या इसको इसको चुनौती दी जा सकती है कोर्ट में? बिल्कुल, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसे, जैसा कि आप बताए, 84th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जिसमें सभी राज्यों में और लोकसभा में सीटें को फ्रीज कर दिया गया था, ना उसमें ना एक सीट बढ़ाई जा सकती थी ना घटाई जा सकती थी। तो ये कदम जो उठाया गया है ये बिल्कुल, इसको हमें सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती दे सकते हैं, लेकिन समुदाय का भावना है कि ये अभी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति जी से हम लोग अनुरोध करेंगे। एक अनुरोध पत्र भी उन लोगों को भेजा गया है कि इस पर पुनः विचार किया जाए, क्योंकि यह अगर देखा जाए संवैधानिक रूप से ये सही नहीं है। और जैसे कि आप बताए कि आर्टिकल 334 ए SC ST के परिसीमन के बारे में है और 334B एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशन का नॉमिनेशन का मामला है, तो ए को 10 साल के लिए बढ़ाया गया है, बी को नहीं बढ़ाया गया है। ये सामाजिक न्याय नहीं है, क्योंकि एंग्लो इंडियन समुदाय भी कमजोर वर्ग में ही का श्रेणी में आता है,
तो इस पर जरूर पुनः विचार करना चाहिए। हमारे कानून मंत्री ने भी आश्वासन दिए थे राज्यसभा में कि इस पर बाद में विचार किया जाएगा, तो आशा है कि यह विचार जल्द से जल्द हो और जो अभी बजट सत्र शुरू होने वाला है उसमें इसका पेश करके इसको भी 10 साल के लिए बढ़ाया जाए। सर, जब हमारे देश का संविधान लिखा जा रहा था तब एक सोच ये थी कि ये जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है इसने देश के विकास के लिए खासतौर से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ किया है, लेकिन इतने स्कैटर्ड कम्युनिटी है और इतना वल्नरेबल कम्युनिटी है कि इसको किसी तरह का कुछ रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, ये सोच उनकी थी। उनकी सोच थी जो लोग ये सोचते थे कि जो कम्युनिटी देश में सबसे कमजोर है वो सबसे ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर फील करे खुद को। इसके लिए सर ऐसा हुआ कि पारसी को रिजर्वेशन नहीं दिया गया और ज्यूज को नहीं दिया गया और जिनकी सबसे कम तादाद थी एंग्लो इंडियंस को दिया गया। सोच ये थी कि ये जो सोसाइटी है जिसने बहुत कुछ किया है देश की तरक्की के लिए उनके लिए हम अपना रिस्पेक्ट शो करें। तो अब जबकि इस चीज़ को जब हटाया गया सर, उसके लिए जो जैसे प्रक्रिया होती है सर कि जब भी सरकार कोई कानून बनाती है तो स्टेक होल्डर से डिस्कस करती है, लेकिन सर ये जो कानून बना ये बिल्कुल एकाएक आ गया, जैसे कि तब पता चला उसके बाद, मतलब 16 लोगों की सदस्यता खत्म करने का कानून है, 14 विधानसभा के और 2 संसद के, लेकिन इस पर संसद में 16 मिनट की भी चर्चा नहीं हुई। इस पर सर आपके क्या कहना है, स्टेक होल्डर से डिस्कशन होना चाहिए था नहीं होना चाहिए? देखिए, क्या कारण से इस प्रोविजन को हटाया गया है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैं उस पद पर नहीं हूँ, लेकिन ये जो प्रोविजन हटाया गया है ये ना किसी एसोसिएशन से पूछा गया। हिंदुस्तान में काफ़ी एसोसिएशन है, अभी हमारी मीटिंग हुई थी कलकत्ता में और वहाँ पर लगभग 9 एसोसिएशन भाग लिए। वहाँ पर पार्लियामेंट में कहा गया कि पूरे देश में 296 एंग्लो इंडियन हैं, जो बिल्कुल गलत है। इसका संख्या आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो उसमें 3 लाख से 10 लाख बताते हैं, हमारे अनुमान है 5 से 6 लाख। तो ये क्योंकि ये स्कैटर्ड है, छितराए हुए हैं, सब देश के अलग अलग भाग में रहते हैं, इसीलिए ये प्रोविजन दिया गया। ये एंडमैन निकोबार आइलैंड्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को दे रहे थे, हमारे फाउंडर्स जो हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे उस समय एंग्लो इंडियन समुदाय ने उसको मना कर दिए, बोले कि नहीं मुझे अलग देश या अलग रीजन नहीं चाहिए, हम लोग भारत में रहेंगे और भारत का सेवा करेंगे। और इसीलिए उनका जो देश के प्रति भावना था या जो सर्विस दिए थे उसके एवज में यह प्रोविजन दिया गया, क्योंकि ये कमज़ोर वर्ग है और ये एक रीजन में नहीं रहते हैं, अलग अलग देश के अलग अलग हिस्से में रहते हैं, तो इसीलिए ये प्रोविजन दिया गया। और बिना किसी से पूछे जो हमारे जो एक्स एमपीज थे या एमएलएज थे उन लोगों से भी पूछा जाता, उनका राय भी लिया जाता, तो हम सोचते हैं कि जो भी निर्णय लिए हैं उनका सोच में बदलाव आती। सर, एक सवाल आपसे करना ये चाह रहा था कि ये मनोनयन की चीज़ बहुत यूनिक है रिप्रेजेंटेशन की, जो पॉलिटिकली अनइलेक्टेबल है उनको हम यहाँ पर लेके आते हैं क्योंकि वो इलेक्शन लड़ेंगे तो उनका कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन इतना नहीं है कि बहुसंख्यक वाले वोट में वो चुनाव जीते, इसलिए उनके प्रति रिस्पेक्ट दिखाने के लिए ये व्यवस्था थी। तो मनोनयन का चीज़ क्योंकि आपके पास मेजोरिटी है तो आपने इसको ख़त्म करा दिया। अब से मेरा ये कहना है कि इसी तरह से संविधान की धारा 80 के तहत 12 लोगों का मनोनयन होता है राज्यसभा में, जो कि आर्ट कल्चर या डिफरेंट सोशल फील्ड्स के लिए है। अब इसमें जैसे कि साहित्य के लिए राकेश सिन्हा जी हैं, आर्ट के लिए रूपा गांगुली है, कल सरकार कहेगी कि इन लोगों का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं है, जैसे कम्युनिटी कहा गया कि 296 लोग हैं तो इनके लिए क्या ज़रूरत है रिप्रेजेंटेशन। तो अब ये जो 12 मनोनयन है वो हम खत्म कर रहे, तो क्या सर इससे संविधान की भावना आहत नहीं होती? आप कुछ ऐड नहीं कर रहे लेकिन जो पहले से, और ये वो लोग थे जिन्होंने कि हमारे देश को बनाया, उनके द्वारा बनाई गई व्यवस्था को आप खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो जो
कदम उठाया गया है, ये हमारे समझ से ये उचित नहीं है और इस पर गहन विचार करने के बाद ही कदम उठाना उचित होता। तो खैर अब तो कदम उठ गई है, काम तो हो गया है, काफ़ी निराशा है समुदाय में। हम लोग यही आशा करते हैं, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने बोले कि संविधान का ख्याल रखा जाएगा, उसका उसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, तो हम लोग यही चाहते हैं कि यह जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशनल, कोई हम अलग से नहीं मांग रहे हैं या कोई एडिशनल नहीं मांग रहे हैं, जो हमारे हक था, जो हमारे जो संविधान हमारे हमको ये प्रोविजन दिया, बस उसको वापस कर दिया जाए। सर इसका एक, अब मैं आता हूँ जो गैर संविधान की बात करते हैं, राजनीति की बात थोड़ी सी कर ली सर, कि इसमें सर एक सोच ये है कि हमारे देश में एक तरह से एक बहुसंख्यकवाद की राजनीति भी चल रही है किसी न किसी रूप में। तो एक सोच ये कि एंग्लो इंडियन जो है इनका रिप्रेजेंटेशन इसलिए ख़त्म हो गया क्योंकि एक सोच ये है कि ये डबल टारगेट है, मोस्टली ये लोग क्रिश्चियन है, फिर इंग्लिश स्पीकिंग भी है, तो ये पॉलिटिकली जो है अभी जो है वो उस फ्रेम में फिट नहीं होते, या यूँ कहें कि जो बहुसंख्यकवाद की राजनीति है उसमें ये इस तरह की बात करना उचित है कि मतलब टारगेट जो सेक्शन है उसको किया जाए। तो सर क्या इसमें कुछ आप राजनीतिक भी एंगल देखते हैं कि एक पार्टी है जो कि अपने बहुसंख्यकवाद के एजेंडा को इसे और मजबूत बना रही है ऐसा करके? देखिए क्या वजह है ये तो मैं उतना क्वालिफाइड नहीं हूँ, मैं अगर शायद संसद में रहता, पार्लियामेंट में रहता तो इसका बेहतर जवाब दे पाता, क्या वजह है ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं ज़रूर ये कहूँगा कि इस कदम से एंग्लो इंडियन समुदाय और साथ में क्रिश्चियन, क्योंकि एंग्लो इंडियन क्रिश्चियन भी होता है, तो दोनों समुदाय दुखी है कि इस तरह के कदम उठाया गया है और उनका राइट्स को छीन लिया गया है, यह तो जरूर मन में है। ठीक, तो अभी हमने बात की ग्लेन जोसेफ गैलस्टन से जिनका जो कि अभी हम कह सकते कि वन ऑफ द लास्ट अमंग 16 है, मतलब 2024 में जब इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा उसके बाद हमारे कानून में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि संसद और असेंबली में हम फिर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। आज 25 जनवरी के दिन जब इनसे बात हो रही है, दिवस मनाया जा रहा है, तो जैसा कि इन्होंने कहा कि आज काला दिवस मनाया जा रहा है क्योंकि घर में कैंडल जलाना है और आज एंग्लो इंडियन कम्युनिटी देश भर में कैंडल जला करके अपना विरोध शांतिपूर्ण तरीके से प्रकट कर रही है, क्योंकि आज का दिन आखिरी दिन है जबकि संसद को इस वास्ते कानून बनाना है, और आज कानून नहीं बनने का मतलब है कि गैलस्टन झारखंड में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के आखिरी MLA होंगे। सर आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।